मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और शिवपुर में सीएम शिवराज, ग्वालियर चंबल संभाग सहित प्रदेश के सभी जिलों के बाढ़ प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद की राशि ट्रांसफर की। सिंगल क्लिक के जरिए 23 करोड़ 19 लाख रुपए की राहत राशि पहुंचाई गई। इसमें ग्वालियर जिले के 1677 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में 1,83,00,000 रुपए से अधिक राशि शामिल है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्वालियर जिले की जनपद पंचायत डबरा के ग्राम सेमरी निवासी लाखन सिंह सहित संभाग के अन्य जिलों के बाढ़ प्रभावित लोगों से संवाद किया। साथ ही सरकार की ओर से मिली राहत और सर्वे के संबंध में जानकारी ली। प्रदेश सरकार अब तक बाढ़ प्रभावित परिवार के खातों में 52 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचा चुकी है। हमारे बाढ़ प्रभावित भाई और बहनों को, एक तो जिनके मकान ढह गए, पूरी तरह से समाप्त हो गए, उनको मकान के निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए की राशि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलती है वो दी जाएगी। जो पात्रता जिनको नहीं है उनको भी दी जाएगी, वो राज्य शासन देगा। शहरी क्षेत्रों में भी मकान बनाने की राशि दी जाएगी। तो पहला काम मकान का भी निर्माण हो जाए, पुनर्निर्माण हो जाए। जहां जहां सर्वे का काम पूरा हो गया, राशि देना प्रारंभ कर रहे हैं। तत्काल हम लोगों ने यह तय किया था कि 6,000 रुपए तो तत्काल इसलिए दे दिए जाएं कि घर में अगर रहने लायक स्थिति नहीं बनी हो तो, और बची हो और कहीं कमरा किराए पर मिल जाए तो वहां रह लें, या त्रिपाल या बाकी का इंतजाम हो जाए। वो राशि तेजी से खातों में या तो पहुंच गई है या पहुंच रही है। घर के अंदर का जो सामान सड़ गया, खराब हो गया, उसके लिए भी तत्काल 5,000 रुपए की राशि देने का हमने निर्देश दिए। तो वो राशि भी या तो बट गई है या बट रही है। फिर नुकसान जो मकानों का हुआ उसके अतिरिक्त अगर गांव में घर है, पशुशाला है, या पशु के बांधने की जगह उसका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी करेंगे। पशु अगर हानि हुई है, कई जगह पशु बह गए, इंसान तो जैसे तैसे बचे, लेकिन गाय, बैल, भैंस, बकरी, बकरा, उसके लिए हमने सबके लिए राशि तय की। दुधारू पशुओं के लिए, गाय भैंस इत्यादि के लिए 30,000 रुपया प्रति पशु, गैर दुधारू के लिए 25,000, जो छोटे बछड़े वगैरह उनके लिए 10,000, और बकरा बकरी जैसे जो उनकी गरीब के लिए वो भी बड़ा साधन है, उनके लिए 3,000 रुपए की क्षतिपूर्ति देने का फैसला किया। फसलों की क्षति का आकलन अभी हो रहा है, उसकी भी राहत की राशि दी जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ मिले इसका भी प्रबंध करेंगे।